आज मैं आपको गेंदे को कटिंग से लगाने का तरीका बताऊंगी। जो पौधे खराब हो चुके होते हैं, जिनको हम उखाड़ करके हटा देते हैं, उस पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं। बहुत इजी है। ये देखिए, मेरा ये गेंदा जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर दोबारा इसमें फ्लावरिंग हो भी जाएगा तो बहुत कम फ्लावर आएगा, छोटे फ्लावर आएंगे। इससे अच्छा है कि अगर हम इसको कटिंग से दूसरा प्लांट तैयार कर लें तो उस बहुत जल्दी फ्लावर भी आएगा और बड़ा बड़ा फ्लावर निकलेगा इसमें से। तो चलिए मैं इसको कटिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे कटिंग करते हैं, कैसे लगाते हैं। कई इसमें छोटी छोटी टिप्स दूंगी आपको। ये देखिए, इतना करीब 4-5 इंच लेना है, इसको तिरछा काट देना है इस तरह से। इसमें इसको पानी में डाल देना है। पानी में डालने से एक फ़ायदा होगा कि थोड़ी देर के बाद आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें एक लेयर मैंने नीचे सैंड डाला है। सैंड में वाटर जो है बहुत जल्दी सूख जाता है और कोकोपीट जो है मॉइस्चर को काफ़ी होल्ड करके रखता है, इस वजह से इसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो मैं इसमें जो है दोनों एक एक लेयर लगा दी हूँ। मैं कटिंग लगाते वक्त इसमें कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ईजली लग जाता है। आप चाहे तो इसमें रूटिंग हार्मोन लगाइए, हल्दी लगाइए, इसमें चाहे एलोवेरा लगा दीजिए, आफ्टर सेव भी लगा सकते हैं, या फिर दालचीनी का पाउडर लगाइए, जो आपको सूटेबल हो वो लगाइए। वैसे भी मेरे पास कटिंग बहुत ज़्यादा है, अगर इसमें से एक दो खराब भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। गेंदे को कटिंग से लगाते वक्त हमेशा ऊपर वाला ही लेना चाहिए जो कि सॉफ्ट हो। और इसकी पत्तियाँ मैंने देखी पूरी तरह से नहीं हटाई हैं, बहुत कम, थोड़ी थोड़ी पत्तियां हटा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें अगर पत्तियां रह भी जाती हैं तो आराम से लग जाता है। अगर कोई और वेदर रहता तो मैं इसकी पत्तियां काफ़ी हद तक हटा। इसमें रूट्स तो है लगभग 10 डेज में डेवलप हो जाएगा। अगर हम कटिंग से गेंदे को लगाते हैं तो फ्लावरिंग इसमें करीब 40-45 डेज में ही होने लगता है। प्लांट काफ़ी बुशी होता है, पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्लांट की साइज बहुत छोटा होता है। गेंदे को सीड से लगाने पर हमें फ्लावरिंग स्टेज पे आने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, प्लांट बहुत बुशी भी नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा पिंचिंग भी करनी पड़ती है। ये देखिए, सारे कटिंग लग गए हैं। अब इसे मैं पानी डालूंगी ऊपर से और शेड में इसको रख दूंगी, जहाँ पर खुली हवा हो और ठंडक बनी रहे उस जगह पर रखूंगी इसको। अब इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ ड्राई होने पर बीच बीच में इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए, ये पेड़ काफी बड़ा है, इसके नीचे मैं रखूंगी ताकि इसमें नीचे ठंडक भी बनी रहे और हवा भी आती रहे साइड से, और जिससे रूट्स जो है जल्दी डेवलप हो। ये मेरा लगभग 20 डेज पहले की कटिंग लगाई हुई थी। इसमें ये प्लांट जो है, ये जो मैं लगा रही हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। और देखिए कितना अच्छा इसमें पौधा तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल अब शिफ्ट करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप गेंदे को हमेशा कटिंग से ही लगाइए, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आपके साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे प्लांट के साथ, दूसरे आइडिया के साथ।